press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों ओप्पो ने अपना कल ही नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया इंडिया में, ओप्पो F7। तो जानते हैं इस वीडियो में उसके स्पेसिफिकेशन, क्या ये आपका परफेक्ट बाय है या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहले इसके स्पेसिफिकेशन की। इसके अंदर आपको मिल जाता है मीडिया टेक का P60 जो कि 660 को टक्कर देता है ये प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और प्लस अगर ओप्पो ने अगर इसमें स्नैपड्रैगन दे दिया होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मीडियाटेक के प्रोसेसर जल्दी हीट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कॉन्स बन सकता है ओप्पो के फ़ोन का। हालांकि नया प्रोसेसर है, लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कैसा ये काम करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो फ्रंट कैमरा में आपको मिलता है 25 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि काफ़ी धीरे धीरे मोबाइल में DSLR भी आ जाएगा हम लोग के, जैसा कि हमें उम्मीद है। 25 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देता है F2.0 के ऊपर, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेल्फी सेंटर के स्मार्टफोन में ये आया है सबसे पहले नंबर का 25 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि आपको सबसे ज़्यादा देता है। अब बात करते हैं रेयर कैमरा की। रेयर कैमरे में आपको बस मिलता है एक सिंगल कैमरा, जो कि है 16 मेगापिक्सल का। डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन इसको दी गई है, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं डिस्प्ले के नॉच आईफोन जैसा दिया गया है, और नीचे की तरफ हालांकि बेजल्स थोड़े ज़्यादा हैं आईफोन एक्स के कंपैरिजन में। और स्क्रीन की बात करें तो 19:9 का आपको डिस्प्ले दिया गया है इसमें, और डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो ये 1080p फुल HD डिस्प्ले आपको इसके अंदर भी मिल जाता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, क्या ओप्पो का फ़ोन क्या वीवो को टक्कर दे सकता है। दोस्तों प्राइस, उसके पहले हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो इसमें है 21,990, हालांकि 22,000, जो कि वीवो को देखते हुए रखा गया ओप्पो के कंपैरिजन में, पर डिज़ाइन में काफ़ी प्रीमियम है उससे। पर एटलीस्ट उस इस प्राइस रेंज में अब तुमको डुअल लेयर कैमरा देना शुरू कर देना चाहिए, जैसा कि वीवो ने दिया। पर उसके कंपैरिजन में इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी प्रीमियम है। वो प्लास्टिक का बॉडी है, ये जहाँ तक कि देखने में लगता है ग्लास है, पर इसका रिव्यू आने पर कोई भी चैनल पर तभी पता चलेगा कैसा है ये फ़ोन। दोस्तों बात की जाए तो हीलियो P60 जो कि अच्छी बात है, MWC में अनाउंस हुआ है नया, काफ़ी नया प्रोसेसर है 660 के मुकाबले। ये खड़ा दावा करते हैं कि 660, हालांकि बेंचमार्क जो कि दोस्तों थोड़ा सा सही लगता है वीवो के प्रोसेसर के मुकाबले में। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या ये वीवो से अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, प्राइस में बात करें तो वीवो से अच्छा ही है, पर डुअल लेयर कैमरा, हालांकि कंपनी दावा करता है इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड का बैक कैमरे पर वो काफ़ी अच्छा नहीं आएगा, डिटेलिंग उतनी कैप्चर नहीं हो पाएगी। पर जहाँ तक उम्मीद है परफॉर्म अच्छा करेगा, और स्पेशल सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगी आप फ्रंट कैमरा से भी इसके 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है, जो मतलब व्लॉग करने के लिए वो भी काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। दोस्तों अगर इसके नीचे आप जाते तो इससे काफ़ी अच्छा फ़ोन मिल जाता है आपको, इतना हाई रेंज। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपको ओप्पो की ब्रांडिंग चाहिए, तब आप ले सकते हैं ये फ़ोन, तब ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। पर अगर नहीं तो आप रेडमी के नोट 5 प्रो जो कि लेना सरदर्दी है, रेडमी नोट 5 प्रो और बाकी सारे स्मार्टफोन आते हैं इसके कम प्राइस में और लगभग ऐसे ही स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, तो उस पर आप जाना, मैं सजेस्ट करूँगा आप उस पर जाना ट्राई करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गुड बाय।